Maulaya salli wa sallim ta'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thakalain. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thakalain. Wal fariqaini min durbi wa min najami. Wal fariqaini min urbi wa min ajami. गया है सर अदब से सारी कायनात का. आपने ही है सिखाया सबको सीधा रास्ता. खुश नसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता. रहमते दोनों जहां में आप पर हो मेहरबानी थैंक यू. आ गया आ गया. हाँ जी नहीं भाई बताएं व्लॉग शुरू हो गया. अब मैंने बताना क्या जो कुछ है आपने सामने है. अब तो लोग ही कमेंट करेंगे हम क्या बताएंगे आप. अच्छा ये जी ये अभी एक जगह मिली जहाँ पे कुछ इंसानों की तरह हाँ जी चीजें वो पांडी भी जा रही थी और डी भी जा रही थी. इलाके का फर्क पड़ जाता है. हाँ जी ये तो है. अभी आप ये जैसे ही निगाह रोड की तरफ आए हैं तो कुछ आवाम में तो कमी थी. हाँ जी हाँ लोग शाइस्ता थे. हाँ जी अभी भी लोग इंतज़ार किए जा रहे हैं. हाँ जी वो रिजक तो वो रिजक आपको ढूंढ रहा है. आज आवाम उसको ढूंढने निकली हुई है. इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी. हमारी तो हो गई है. ठीक है जी. नहीं भाई आपने माशाल्लाह एक सूप पिया आपने. जी जी यार. और दाल नान खा ली आपने. जी जी बिल्कुल. दाल रोटी खा ली तुसी हैं. आपने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसमें आप भी शरीक थे सवाल में ना. नहीं नहीं मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आप खा रहे थे ना. मैंने ब्याह शादियां भी जो वीडियो बना रहे थे ना खाने के टाइम मैंने वो बड़े भैड़े लगते हैं. हालांकि एक दौर एक दौर
नहीं भाई और बोतल पीनी है भाई, मेरी कोशिश तो है कि मैं एक बोतल पी लूं, अगर वो रेगुलर मिल जाए तो। हाँ लेकिन मेरा मूड नहीं गा। आप भी पीनी भी नहीं है कि मूड हो भी आपका। हाँ सर मजबूरी है कि करिए। हाँ यार हम आपको लिए चलते हैं। अच्छा नहीं भाई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे आज के हवाले से, आज का दिन कैसा रहा। हम पहले रिकॉर्ड कर रहे थे, वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो हालांकि हम अपनी बात तकरीबन पूरी कर चुके हैं, लेकिन खैर नहीं भाई आप अपना ओपिनियन दें। एक्चुअली आज के दिन क्या हवाले से, माशाल्लाह जब से बचपन से ये वाला दिन मना रहे हैं, ईद मिलाद नबी माशाल्लाह बड़े जोश व खरोश थे हम लोग तो। इच्छा में हम लोग रहने वाले हैं ये लाहौर में, एक गुंजान आबादी वाला मतलब इलाका है, तो यहाँ पे मोस्टली लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जो कोई भी इवेंट हो बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं, बड़ा अपनाइयत वाला होता है। तो हमारे बचपन में और आज के दिन 2020 में ज़मीन आसमान का फर्क हो गया है, ये सेलिब्रेशन के हवाले से। हमारे बचपन में हम लोग बिल्कुल वो चंदा मांगते थे, एक प्लेट लेके जाते थे, उसमें आटा भी डालते थे, पता नहीं क्यों डालते थे आटा, लोगों के यानी घरों में बैल भी देते थे, लोगों को रोकते भी थे और पैसे दे के, और वो जितने वो लड़के हम लोग होते थे वो सारे पैसों के हम लोग इंतजाम करते थे कि रेत मट्टी और भूरा और कलर और खिलौने लेके आते थे। और फिर हम यानी 11 रबी लोगों की सारी रात को हम लोग पहाड़ी पर हम लोग से बोलते पहाड़ी पर आएंगे, तो पहाड़ी में हम लोग अपना आर्ट जो है उस वक्त पहाड़ी में दिखाते थे कि जैसे कि लाइक उससे उसकी बेस बनती थी मट्टी से, फिर वो रेत आती थी, फिर उसके बाद वो कलर भूरा आता था और फिर उसके ऊपर डिफरेंट जो थे वो टॉयज, कोई आर्मी फील्ड यानी बनती थी, कोई आबशा जिसका कॉन्सेप्ट पीछे से वो घर से पाइपलाइन आ रही होती थी, आगे वो ब्रिक्स मिलते यानी लगा के या मार्बल लगा के, तो उसके 2-3 फ्लोर बनाते थे आबशा के, फिर उसका रास्ता पानी का कि वो पानी कैसे जाएगा, और उसको गटर में भेजने की भी एक इंजीनियरिंग हो रही होती थी जो नॉर्मली मेरे से तो नहीं होती थी, पर मैं कुछ बेहतर काम करता था ये आर्मी बैटल फील्ड में ना ये, और यानी कि टॉय की सेटलमेंट पर। फिर जब वो पहाड़ी जब शाम तक वो चलती थी, इतनी लेट नहीं चलती थी आजकल के हिसाब से, वो इन अर्ली 9 बजे से पहले पहले तकरीबन वाइंड अप हो जाता था, फिर हम लोग अपने खिलौने शेयर कर लेते थे और जो जी हमारा बचपन जो है वो गुजरे। अब इन द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम इवन फ्रॉम लास्ट 8 to 10 years इच्छा में और बाकी एरियाज में भी ऐसे लोगों का खाने पीने की तरफ जो है ना, लोगों को खिलाने की तरफ बड़ा यानी कि रुझान हुआ, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है ये नबियों का तरीका है लोगों को खिलाना बगैर उनके मसलक और मजहब के, जो भी आया है उनको यानी पकड़े बिठाएं किस तरह से। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन यानी कुछ जगहों पे इस तरह का नजर आ रहा है मिसमैनेजमेंट करने के, थोड़ा सा दिखावा भी हम कह सकते हैं उन्हें उसको मिसमैनेजमेंट। हाँ तो उसमें ये चीज मतलब है कि वो लोग जो बांटने वाले हैं वो किसी चीज का में भी वेट कर रहे होते हैं, जो लोग आए हैं उनको उनके उन्होंने जितना भी खाना बनाया हुआ है जो भी नियाज बनाई है। तो नहीं भाई मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक तो अभी इस टाइम पे टाइम क्या हुआ देखिए तकरीबन 9 बजे और लोग इस टाइम पे कुक कर रहे थे। हाँ जी सड़कों के बीच में रख के ऐसे जनाब वो हिला रहा है बंदा ऐसे क्या चीज बना रहा है ठीक है, वो बना रहा है पका रहा है इस टाइम पे 9 बज रहे हैं इस टाइम पे, जब हम आए थे तो वो पका रहा था हिला रहे हैं जनाब, अब वो 9 बजे पका रहा है, वो तकरीबन 9:30-10 बजे वो रेडी होगा, तो 10 बजे जब रेडी होता है ना उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, मोस्टली कह लें या चंद लोग कह लें, वो लोग क्या कर रहे हैं लोगों का इंतज़ार करते हैं, मतलब कि लोग अगर आ भी गए ना तो उनको फ्री नहीं करेंगे, उन्हें खाने के लिए दें उनको खाएं या ले के चले जाएं, वो कहते हैं ज़रा 4 बंदे और इकट्ठे हो जाएं, ज़रा 4 बंदे और, ये बेसिकली तरीका होता है हमारा मतलब सियासतदानों का, हमारा ये तरीका होता है कि यार 4 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं दसना फिर मैं स्टेज पर आवाँगा। तो ये जो है ना वो सरीहन एक अल्लाह की रजा के लिए
हम लोग आप लोग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें जो आ रहा है ना आपके दर पे आ रहा है, आपके पास खाने के लिए आ रहा है, आप उसको जितनी इज्जत दे सकते हैं ना उतनी दें। बेशक ऐसी है, और जो वो रिजल्ट जो बांटा जा रहा है उसको भी उतनी इज्जत दें। हाँ, जो खाने वाले हैं वो भी उसको बस जाया ना करें, जाया ना उतना लें जितना उन्होंने खाना है और बस, मतलब बजाय इसके कि आप कहें कि पता नहीं और दोबारा मिलना कि नहीं मिलना, और ऐसे इकट्ठा करेंगे और फिर मतलब वो किसी के पेट में नहीं गया तो वो इधर उधर पड़ा बाद में वो कहीं का कहीं। रिजक को इज्जत दें, अल्लाह ताला ने आप सबको दिया है, अल्लाह ताला ने हम सबको दिया है, हमें वोट को भी इज्जत दें, हम ये नहीं कह रहे हैं जिन्हें जिन्हें तो चाह रहे हो उन्हें इज्जत दें, लेकिन रिजक को इज्जत दें क्योंकि अभी लोग हम लोग जो इस वक्त जो कि पाकिस्तान वो थर्ड वर्ल्ड वो कंट्री है और यहाँ पे भूख अफलास जो ज्यादा है, जो कि हमें शायद शहरों में इतना नजर नहीं आता, लेकिन सिचुएशन यहाँ पे भी काफी वर्स्ट है। तो ये यानी रिजक हमारा दीन भी हमें यही कहता है, ठीक है, मेहमान की इज्जत, जो लोग खिलाने वाले हैं उनका शुक्रिया, थैंक यू, लेकिन थोड़ा सा ख्याल ये कर लें कि लोगों को बांटते जाएं, जो जो आ रहा है उसको खिलाएं, जो जो आ रहा है उसको साथ साथ खिलाएं, बजाय इसके कि आप कहें कि यार ये बंदे होंगे तो फिर रोटी बनेगी, कोई शादी भी है नहीं कि जनाब वो जिन्नी देर तक कुड़ी वाले नहीं आएंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, या मुंडे वाले बरात है ही नहीं तो रोटी कौन दी, तो ये ना शादी है ना बरात है, ये आप अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, तो जो आ रहा है उसे खिलाएं जैसे हमें लोगों ने खिलाया। तो बेसिकली ये आज का मैसेज था कि अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत खुश होगी। आसा सलम की उसवा हसना हमारे लिए बेहतरीन तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, उसको अडॉप्ट कर लें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये जो चल रहा है ये भी ठीक है, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, अल्लाह नीयतें अल्लाह ताला जानता है सबकी, जिसकी नीयत जैसी है अल्लाह जानता है, ठीक है। तो आप सब बहन भाइयों को हमारी तरफ से जो है वो ईद मिलाद नबी मुबारक, ठीक है, खुश रहें, इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ वैसे भी पढ़ें, इस महीने में और ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। मुझे और नईम भाई को आज इजाज़त है, बच्चे घर में नहीं है, तो हम आज इस व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वॉइस ओवर किया मैंने, सॉरी, इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने वॉइस ओवर किया और आपको दिखाया कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये दुआ में याद रखें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।